गुड मॉर्निंग माय डियर पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब ठीक होंगे और जो भी वर्क हम आपको करवा रहे हैं वो सारा ही वर्क आप अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे और सारी चीज़ आपको समझ में भी आ रही होंगी। आज का हमारा इंग्लिश का लेक्चर है, ओके? तो हमारा टॉपिक है सेकेंड स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 2, मुनीश एट स्कूल, ओके? चलो हम ये चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर मुनीश के बारे में है, तो देखेंगे ये चैप्टर में क्या क्या एक्टिविटीज करता है मुनीश। चलो लेट अस बिगिन अवर चैप्टर। नाउ गेट सेट, चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करेंगे। दिस इज मुनीश, ये जो बॉय है जिसके बारे में ये पूरा चैप्टर है, तो ये बॉय का नाम है मुनीश, ओके? हिज मॉम वेक्स हिम अप एट 6 o'clock। जो इस चैप्टर में मुनीश है उसमें उसकी जो मम्मी है उसको मॉर्निंग में 6 बजे उठाती है। वेक्स मतलब उठाना, मम्मी हमें उठाते हैं ना जब हम सोए हैं, तो उठने को हम वेकअप बोलते हैं। सुबह उठना मतलब वेक अप, तो वेक्स मतलब उसकी मम्मी उसको उठाते हैं। ही गेट्स वॉश एंड ब्रश, फिर वो उठता है, ब्रश टीथ ब्रश करता है, बाथ लेता है, पूरे कपड़े पहनता है, ड्रेस मतलब अच्छे पूरे उसके यूनिफॉर्म पहन लेता है स्कूल का, ओके? देन ही हैज हिज ब्रेकफास्ट, फिर वो अपना ब्रेकफास्ट करता है। चलो नेक्स्ट, एट 7 o'clock द स्कूल बस कम्स, फिर जब ही 7 o'clock बजते हैं तो उसकी राइट 7 o'clock को उसकी स्कूल की बस आ जाती है। कोई कितनी जगह पे स्कूल की बस चलती है, आप ऑटो में भी आते होंगे, गाड़ी में भी आते होंगे, तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है वो चीज़, ओके? तो मुनीश की बस आती थी राइट 7 o'clock को, ओके? मुनीश लीव्स फॉर स्कूल, फिर मुनीश स्कूल चला जाता था। ही इज़ नेवर लेट, और मुनीश स्कूल के लिए कभी लेट नहीं होता था। ही रीच द स्कूल इन टाइम, और हमेशा रोज स्कूल टाइम पे ही पहुँचता था। द प्यून रिंग्स द बेल, फिर जब भी स्कूल में सब बच्चे चले जाते थे तो जो प्यून होता है, जो एक आदमी होता है जो स्कूल के काम करता है उसको प्यून बोलते हैं, तो फिर प्यून जो बॉय होता है उसने बेल बजाई, ओके? चिल्ड्रन गो टू देयर क्लासेस, फिर सारे बच्चे फटाफट अपनी क्लास में चले गए। द टीचर कॉल्स द रोल, रोल मतलब रोल नंबर, हम बोलते हैं ना रोल नंबर, 1, 2, 3 रोल नंबर दिया हुआ होता है क्लास में, तो टीचर सबकी अटेंडेंस लेती है रोल नंबर वाइज, ओके? फिर क्या होता है, आफ्टर रोल कॉल मतलब जब भी टीचर सबकी अटेंडेंस ले लेती है रोल नंबर वाइज, चिल्ड्रन लाइन अप इन द स्कूल कंपाउंड, और फिर बच्चे लाइन बना के, जैसे हम कैसे क्लास में से हमारा जो असेंबली हॉल है उसमें लाइन बना के बैठते हैं ना, तो वैसे ही सारे बच्चे लाइन अप मतलब एक लाइन बना के, तो सारे बच्चे लाइन अप करके स्कूल कंपाउंड में चले जाते, स्कूल कंपाउंड मतलब स्कूल का ग्राउंड, ओके? देयर दे से मॉर्निंग प्रेयर्स, और फिर सारे बच्चे मिलके मॉर्निंग की प्रेयर करते हैं, ओके? आफ्टर प्रेयर चिल्ड्रन गो बैक टू देयर क्लासेस, और जब भी एक बार सबकी प्रेयर खत्म हो जाती है तो सारे बच्चे फिर से क्लास में चले जाते हैं। मुनीश गोज टू हिज क्लास, और जो मुनीश है वो अपनी क्लास में चला जाता है। द टीचर्स कम इन, फिर जब एक बार सारे बच्चे क्लास में चले जाते हैं तो फिर टीचर आ जाती है क्लास में। कहाँ गया? चिल्ड्रन स्टैंड अप एंड से गुड मॉर्निंग टीचर, और जब भी क्लास में टीचर एंटर होती है तो सारे बच्चे स्टैंड अप होते हैं और क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग टीचर। द टीचर सेज गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन सिट डाउन, और फिर टीचर क्या बोलती है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स या गुड मॉर्निंग किड्स सिट डाउन, तो सारे बच्चे जो खड़े हुए होते हैं गुड मॉर्निंग टीचर को विश करना मतलब टीचर को रिस्पेक्ट करना, तो फिर सारे बच्चे बैठ जाते हैं क्योंकि टीचर बोलती है सिट डाउन, ओके? फिर क्या होता है, नाउ द टीचिंग बिगिंस, और फिर उनकी पढ़ाई शुरू हो जाती है। चिल्ड्रन डू रीडिंग एंड राइटिंग फॉर 2 hours, फिर उनके 2 पीरियड होते हैं, वो पीरियड में बच्चे रीडिंग और राइटिंग करते हैं, ओके? रीडिंग और राइटिंग 2 घंटे करने के बाद, 2 hours, hours मतलब घंटे, मतलब 2 घंटे, 2 घंटे रीडिंग करने के बाद, देन इट इज़ अ प्ले टाइम, फिर उनको गेम्स का पीरियड मिल जाता है, फिर सारे बच्चे खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको गेम्स मिल गई, ओके? फिर
चिल्ड्रन गो आउट टू प्ले, फिर सारे ही बच्चे प्लेग्राउंड में चले जाते हैं खेलने के लिए। मुनीश लाइक टू प्ले चेजिंग गेम्स, चेजिंग गेम्स मतलब पकड़म पकड़ी, हम ये चेजिंग गेम्स मतलब पकड़म पकड़ी खेलते हैं, जैसे खो भी खेलते हैं, पकड़म पकड़ी जितनी भी भागने वाली गेम्स होती है, पकड़ने वाली गेम्स होती है, उसे इंग्लिश में हम चेजिंग गेम्स बोलते हैं। ओके, आफ्टर प्ले टाइम चिल्ड्रन डू मैथ्स एंड साइंस, फिर जब गेम्स का पीरियड ख़त्म होता है फिर से उनकी पढ़ाई चालू हो जाती है। और गेम्स के बाद उनकी कौन सी क्लास थी, तो मैथ्स और साइंस की क्लास थी। मुनीश इज गुड एट मैथ्स, जो मुनीश है उसका मैथ्स बहुत अच्छा था। ही इज ऑल्सो गुड एट साइंस, उसको साइंस भी अच्छा लगता था। नेक्स्ट है देन इट इज लंच टाइम, फिर दो घंटे पढ़ाई के बाद, थोड़ी देर खेलने के बाद, वापस मैथ्स और साइंस पढ़ने के बाद उनका क्या होता है, तो लंच ब्रेक, मतलब फिर वो लंच करेंगे, जो भी टिफिन घर से लाए हैं वो बैठ के लंच करेंगे। देखो यहाँ पे ये पिक्चर में दिखा रहे हैं, दे ओपन देयर लंच बॉक्स एंड ईट टूगेदर, सारे बच्चे साथ में बैठ के लंच शेयर करते हैं और खाते हैं। देखो यहाँ पे दिखाया है ना, आफ्टर लंच ब्रेक चिल्ड्रन गो टू आर्ट रूम, और जब भी उनका लंच ब्रेक खत्म हो जाता है, सब बच्चे अपना अपना लंच खत्म कर लेते हैं, उसके बाद जो उनका नेक्स्ट पीरियड होता है वो होता है आर्ट रूम में। ओके, देयर दे सिट ऑन कारपेट, और वहाँ पे आर्ट रूम में बेंचेस नहीं थी, उनके आर्ट रूम में नीचे कारपेट बिछा था, जो चटाई होती है ना, चटाई, या हम गुजराती में पथेना बोलते हैं, पथेणू, तो जो बिछाते हैं उसको कारपेट बोलते हैं, चटाई को। ओके, दे लर्न सिंगिंग एंड डांसिंग, और वहाँ पे आर्ट रूम में उन लोग सिंगिंग डांसिंग ये सब चीज़ें सीखते हैं। ओके, पेंटिंग भी सीखते हैं, दे ऑल्सो लर्न पेंटिंग, मुनीश लाइक्स पेंटिंग बेस्ट, और मुनीश को पेंटिंग करना बहुत पसंद था। ओके, चलो नेक्स्ट, इट इज स्टोरी टाइम, अभी सब खत्म हो गया। ओके, उनका आर्ट का पीरियड भी खत्म हो गया, फिर लास्ट में क्या था उनका, तो इट इज स्टोरी टाइम, लास्ट उनका पीरियड था स्टोरी का पीरियड। चिल्ड्रन कम बैक टू देयर क्लासरूम, फिर आर्ट रूम से सारे बच्चे वापस अपने क्लासरूम में आ गए। द टीचर टेल्स देम अ न्यू स्टोरी एवरी टाइम, उनकी टीचर जो थी उनको रोज रोज नई नई स्टोरी सुनाती थी। चिल्ड्रन लव टू हियर स्टोरीज, और बच्चों को स्टोरीज सुनना बहुत अच्छा लगता था। समटाइम चिल्ड्रन ऑल्सो टेल स्टोरीज, और कई बार टीचर बच्चों को वो भी बोलती थी कि आप भी स्टोरी बोलो, तो इस तरीके से वो बच्चे भी स्टोरी बोलते थे। चलो नेक्स्ट, लास्ट में क्या है फिर, द लास्ट बेल गोज एट 3 PM, मुनीश सुबह 7 बजे से आता था और 3 बजे उनकी स्कूल ख़त्म हो जाती थी। ओके, मुनीश कम बैक होम, फिर मुनीश घर वापस चला जाता था। ही हैज सम रेस्ट एंड देन फिनिशेस हिज होमवर्क, फिर स्कूल से आने के बाद मुनीश थोड़ी देर आराम करता था। रेस्ट करना मतलब आराम करना। ओके, फिर वापस आराम करने के बाद फिर से उठ के अपना होमवर्क कंप्लीट कर देता था। देखो मुनीश कितना गुड बॉय है, वो सारी चीज़ें टाइम से करता है। ओके, हिज मॉम हेल्प हिम विथ हिज होमवर्क, और उसकी जो मम्मी है वो उसको होमवर्क करवाने में हेल्प करती थी। देन इट इज इवनिंग, फिर शाम हो जाती थी। इसी तरीके से मुनीश गोज आउट टू प्ले विथ हिज फ्रेंड, फिर अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद, फिर होमवर्क एक बार हो जाए कंप्लीट, फिर मुनीश बाहर खेलने के लिए जाता था शाम को अपने फ्रेंड के साथ। ही फील्स वेरी हैप्पी ऑल डे, और इसी तरीके से सारी चीज़ें टाइम पे करके मुनीश का पूरा दिन हैप्पी हैप्पी ही रहता था, मुनीश पूरा दिन खुश रहता था। चलो नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है अबाउट मुनीश। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें जो भी सेंटेंस राइट है उसमें टिक करना है, रॉन्ग है उसमें एक्स करेंगे। ओके, चलो हम स्टार्ट करेंगे। पहला हमारा है मुनीश वेक्स अप एट 6, मुनीश सुबह 6 बजे उठता था, तो यस, शार्प 6 बजे मुनीश उठ जाता था। मुनीश गोज टू स्कूल विथ हिज मॉम, उसकी मॉम उसको स्कूल लेके जाती थी, तो नो, वो तो स्कूल बस में स्कूल जाता था। मुनीश लाइक टू प्ले नंबर गेम, मुनीश को नंबर गेम खेलना पसंद थी,
तो नो, मोनिस को तो चेजिंग गेम मतलब पकड़म पट्टी वाली गेम बहुत पसंद थी, भागम भागी वाली। मुनीस डज नॉट हैव लंच एट स्कूल, मुनीस स्कूल में लंच नहीं करता था। तो ये सेंटेंस भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि मुनीस तो स्कूल में लंच करता था। चिल्ड्रन सिट ऑन बेंचेस इन द आर्ट रूम, उनके आर्ट रूम में बेंचेस थी, तो नो, उनके आर्ट रूम में बेंचेस नहीं थी। आर्ट रूम में उन लोग कारपेट पे बैठते थे, चटाई पे बैठते थे। दे हैव स्टोरी टाइम बिफोर द लास्ट बेल, जब भी लास्ट बेल बजती थी उसके पहले स्टोरी टाइम होता था। तो यस, उनके लास्ट बेल बजने के पहले उनका स्टोरी टाइम होता था, उनके टीचर उनको नई नई स्टोरी सुनाते थे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट दिस सेंटेंस अबाउट मुनीश, मुनीश के बारे में ये सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। द स्कूल बस कम्स एट, स्कूल बस कितने बजे आती थी, तो 7 o'clock। यहाँ पे देखो 7 o'clock हम बोलते हैं, तो ओ करके ऊपर एपोस्ट्रोफी करना है और फिर क्लॉक लिखना है, तो 7 o'clock। ओके, 7 o'clock पोज कर। फिर नेक्स्ट ब्लैंक्स है हमारी, मैम थोड़ा ऊपर कर दीजिए, सारी ब्लैंक्स कवर अप हो जाएगी। चलो मैं फिर से लिखूंगी ताकि आप अच्छे से लिख सके। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था 7 o'clock, उसकी बस शार्प 7 o'clock को आती थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टीचिंग बिगिंस आफ्टर द, टीचिंग कब शुरू करते थे मैडम, तो आफ्टर द मॉर्निंग प्रेयर। मॉर्निंग प्रेयर, आफ्टर द मॉर्निंग प्रेयर्स। ओके, मॉर्निंग प्रेयर्स कंप्लीट होने के बाद जो टीचर थे वो पढ़ाई चालू करते थे। फिर क्या था, मुनीस इज गुड एट, मुनीस को ज़्यादा सब्जेक्ट कौन सा पसंद था, तो मुनीस इज गुड एट मैथ्स, और साइंस भी था पर हम यहाँ पे मैथ्स लिखेंगे। मुनीस हैज हिज लंच इन द, मुनीस अपना लंच कहाँ पे करता था, तो लंच रूम, लंच रूम में वो मुनीस अपना लंच कंप्लीट करता था। द लास्ट बेल गोज एट, जो लास्ट बेल बजती थी स्कूल में वो कितने बजे बजती थी, तो 3 p.m. ओके, 3 p.m. मतलब दोपहर, p.m. मतलब दोपहर को 3 बजे उनकी लास्ट बेल बजती थी, मतलब छूटने वाली घंटी। मम हेल्प हिम विथ हिज, मम्मी मुनीस को क्या चीज़ में हेल्प करती थी, तो कंप्लीट हिज होमवर्क। मुनीश की मम्मी उसको होमवर्क कंप्लीट कराने में हेल्प करती थी। हेल्प करती थी मतलब कैसे, लिखने में हेल्प नहीं करती थी, वो जो कर रहा है तो वो बराबर कर रहा है कि ना देखते थे, इस तरीके से उसकी हेल्प करते थे। ये मम्मी हेल्प करना मतलब ऐसा नहीं कि मम्मी होमवर्क कर लेगी। ओके, चलो तो यहाँ पे ये हमारी ब्लैंक्स कंप्लीट होती है। मैं एक बार फिर से आपको रीड करके दिखा दूंगी। द स्कूल बस कम्स एट, स्कूल की बस कितने बजे आती थी, 7 o'clock। टीचर बिगिन आफ्टर द मॉर्निंग प्रेयर्स। मुनीश इज गुड एट मैथ्स। ओके, मुनीश हैज हिज लंच इन द लंच रूम। द लास्ट बेल गोज एट 3 p.m. मम हेल्प हिम विथ हिज होमवर्क। तो यहाँ पे हमारा ये ब्लैंक्स का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, रिफर टू द लेसन एंड राइट द फॉलोइंग इन राइट ऑर्डर। सबसे पहले क्या होता था, स्टोरी टाइम, लंच टाइम के प्ले टाइम। तो सबसे पहले यहाँ पे प्ले टाइम, फिर लंच टाइम, और लास्ट में होता था स्टोरी टाइम। तो मैं लाइन कर देती हूँ, आप अपने आप लिख लेना। सबसे पहले प्ले आएगा, फिर आएगा बीच में लंच, और यहाँ पे थर्ड नंबर पे आएगा स्टोरी। तो 1, 2 और ये 3, तो आप अपने आप से कंप्लीट कर लेना। ओके, चलो नेक्स्ट, कंप्लीट दिस सेंटेंस अबाउट योर सेल्फ। ये जो सेंटेंस है वो आपको आपके बारे में खुद लिखने हैं। ओके, मैं आपको रीड कर दूंगी, एक्सप्लेन भी कर दूंगी, पर ये आपको आपके तरीके से लिखने, क्योंकि ये अबाउट
योरसेल्फ, योरसेल्फ मतलब खुद के बारे में। आई गेट अप एट, आप कितने बजे उठते हो, आपको आपका टाइम लिखना है, ओके कि आप कितने बजे सुबह उठते हो। फिर नेक्स्ट है माई स्कूल बस कम्स एट, यहाँ पे भले बस लिखा है, फिर आपकी ऑटो गाड़ी या जो भी है, तो वो कितने बजे आती है, तो वो आपको आपका टाइम पता होगा, तो आपको आपका टाइम लिखना है। आई लाइक डांस मोर देन सिंगिंग, आपको सिंगिंग से ज़्यादा क्या पसंद है, प्ले गेम्स या डांस या जो भी चीज़ आपको पसंद है वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। फिर नेक्स्ट डेज हेल्प्स मी विथ माय होमवर्क, आपको होमवर्क कराने में कौन हेल्प करता है, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपकी सिस्टर या जो भी आपको हेल्प करता है, तो उसका यहाँ पे आपको लिखना है कि माय पापा हेल्प्स मी, माय मम्मी हेल्प्स मी, माय सिस्टर या ब्रदर, जो भी आपको होमवर्क कराने में हेल्प करता है उनका यहाँ पे आपको लिखना है। नेक्स्ट लास्ट, एट आवर स्कूल वी हैव लंच ब्रेक एट, ये टाइम सबका कॉमन रहेगा, हमारी स्कूल का लंच ब्रेक का टाइम है 10:30, ओके 10:30 को हम लंच ब्रेक करते हैं, तो ये सबका कॉमन टाइम हो जाएगा 10:30। बाकी यहाँ पे आपको आपके टाइम लिखना है। मैं फिर से एक बार बोलूँगी, आई गेट अप एट, आप सुबह कितने बजे उठते हो वो टाइम लिखना है, आपकी ऑटो या गाड़ी कितने बजे आती है वो टाइम लिखना है, आपको कौन सी चीज़ पसंद है वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है, और आपको होमवर्क कौन करवाता है उनका नाम आपको यहाँ पे लिखना है, मम्मी पापा ब्रदर या सिस्टर, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है, ओके। तो ये क्वेश्चन भी आपको अपने आप ही लिखना है। चलो नेक्स्ट, ऑपोजिट वर्ड्स, मैच द वर्ड्स विद देयर ऑपोजिट, ओके। अभी मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे लाइन नहीं करूँगी क्योंकि बहुत मैसी हो जाएगा, गैप कम है, डायरेक्टली मैं यहाँ आपको लिख के दिखा देती हूँ, उसी तरीके से आपको भी लिखना है, हम यहाँ पे मैच नहीं करेंगे, बहुत गंदा दिखता है इसलिए, ओके। चलो स्टार्ट करेंगे, पहला तो हमारे लिए ऑलरेडी है, सिट ऑपोजिट स्टैंड, सिट ऑपोजिट स्टैंड, पहले मैं लिख लेती हूँ फिर आई विल एक्सप्लेन यू, PM ऑपोजिट AM, नेक्स्ट है न्यू ऑपोजिट ओल्ड, न्यू ऑपोजिट ओल्ड, अर्ली ऑपोजिट लेट, अर्ली ऑपोजिट लेट, कम ऑपोजिट गो, फिर है लव्स ऑपोजिट हेट्स, लास्ट है बिफोर ऑपोजिट आफ्टर, देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ऑपोजिट कंप्लीट कर दिए हैं, अभी ये मैं ऑपोजिट आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ओके। चलो सिट स्टैंड, सिट यानी बैठना, स्टैंड यानी खड़े होना, तो सिट ऑपोजिट स्टैंड, PM AM, PM हम दिन को लिखते हैं, AM हम रात से लिखते हैं, ओके। देखो AM PM का ड्यूरेशन मैं आपको बता देती हूँ, सुबह जैसे 12 o'clock, दोपहर के 12 o'clock से पहले AM होता है, और दोपहर के 12 o'clock मतलब दोपहर के 12 बजेंगे उसके बाद से PM स्टार्ट हो जाता है, ओके। क्योंकि जब सुबह आप स्कूल में आते हो तब आप टीचर को क्या बोलते हो, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टीचर, ओके, तभी सुबह होती है, इसलिए AM। पर जैसे ही 12 बज जाते हैं, ओके, तो 12 बजे के बाद हम क्या बोलते हैं, गुड आफ्टरनून, तो तब हो जाता है PM। नेक्स्ट है न्यू ऑपोजिट ओल्ड, न्यू मतलब नया, ओल्ड मतलब पुराना, ओके, तो न्यू ऑपोजिट ओल्ड। उसके बाद अर्ली ऑपोजिट लेट, अर्ली मतलब जल्दी जल्दी, लेट मतलब मोड़ा हो जाना, ओके, तो अर्ली लेट। फिर कम एंड गो, कम यानी आना, गो यानी जाना, ओके। देन लव्स ऑपोजिट हेट, लव मतलब प्यार करना, हेट मतलब नफरत करना, हमें कोई कोई परेशान करेगा तो उसे हम हेट करेंगे, वो इंसान हमें अच्छे नहीं लगेंगे, ओके, तो वो हेट, और लव मतलब प्यार करना। बिफोर आफ्टर, ओके, मतलब बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में।
चलो यहाँ पे हमारे ऑपोजिट कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, फिर से मैच में नहीं करवाऊंगी ये ऑपोजिट। अभी मैं आपको होमवर्क भी दे देती हूँ, ये जो ऑपोजिट है ना, ये आप 3 times आपकी बुक में लिखेंगे। कितनी टाइम्स लिखेंगे? 3 times। आपकी जो एक्स्ट्रा बुक है उसमें ये वाले ऑपोजिट्स आप 3 times लिखेंगे। ओके, ऊपर जो हमने किया है उसमें से कुछ होमवर्क नहीं है, ये आपको ऑपोजिट वर्ड्स 3 times आपकी एक्स्ट्रा बुक में लिखना है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है जॉइन द वर्ड्स टू मेक अ न्यू वर्ड। यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हुए, इनको भी जैसे मैच करते हैं इसी तरीके से मैच करना है और लिखना है। ठीक है, तो फुट के साथ क्या मैच होगा? तो बॉल। तो यहाँ पे लिखेंगे फुट बॉल, सॉरी ज्वाइन करना इसलिए लाइन नहीं आएगी, फुट बॉल एक नया वर्ड बन गया। फिर यहाँ पे है प्ले, तो टाइम। ओके, प्ले टाइम न्यू वर्ड बन गया दो वर्ड को जोड़ के। फिर क्लास और रूम, तो न्यू वर्ड बन गया क्लास रूम। उसके बाद होम वर्क, होम और वर्क दोनों को ज्वाइन करेंगे तो बन गया होम वर्क। फिर लास्ट में है ब्रेक और फास्ट, तो ज्वाइन करेंगे बन गया ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। ओके, तो इस तरीके से हमने नए 5 words बना लिए अलग अलग सेपरेट वर्ड्स को ज्वाइन करके। तो पहला वर्ड बन गया फुटबॉल, दूसरा बन गया प्ले टाइम, देन क्लासरूम, होमवर्क, ब्रेकफास्ट। इसी तरीके से हमने नए 5 अलग अलग वर्ड्स को ज्वाइन करके न्यू स्पेलिंग बना लिए। ओके, चलो नेक्स्ट। राइट द प्लूरल ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। मैम प्लीज टेक्स्ट बुक दीजिए, पेज नंबर ओपन करके। यहाँ पे हमें ये वर्ड्स के प्लूरल वर्ड्स लिखने हैं। ओके, चलो स्टार्ट करेंगे। पहला है बस, तो बसेस का प्लूरल, प्लूरल मतलब बहुवचन। ओके, एक वचन का बहुवचन को हम प्लूरल वर्ड्स बोलते हैं। तो बस का हो जाएगा बसेस, BUSES बसेस। बॉक्स का हो जाएगा बॉक्सेस। चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन। क्लास का हो जाएगा क्लासेस। फिर स्टोरी का हो जाएगा स्टोरीज। नेक्स्ट पोयम का हो जाएगा पोयम्स। फ्रेंड का फ्रेंड्स। लिखने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। टीचर का हो जाएगा टीचर्स। ओके, यहाँ पे लिख के मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो जहाँ पे ऑलरेडी एस है तो उसके पीछे मैं एस नहीं लगा सकती, तो एस और एक्स, तो उसके पीछे मैंने लगाया ES। तो बस बसेस, बॉक्स बॉक्सेस, चिल्ड्रन का पूरा फॉर्म ही चेंज हो जाएगा चिल्ड्रन, और क्लास में पीछे ऑलरेडी एस है तो मैं पीछे लगाऊंगी ES, तो क्लास तो क्लासेस, और स्टोरी में जो वाई है वो कट हो जाएगा, वाई है वो कट हो जाएगा और हो जाएगा आई और प्लस ES, तो वो बन गया स्टोरीज, और पोयम तो पोयम्स, फ्रेंड फ्रेंड्स, टीचर और टीचर्स, पीछे सिर्फ हमें एस लगाना है। ये वाला भी बॉक्स है, ये भी आप होमवर्क में 3 times करेंगे। ये होमवर्क 2 है। होमवर्क 1 मैंने आपको दिया था ऑपोजिट वर्ड्स। ओके, और ये होमवर्क 2 है प्लूरल वर्ड्स। तो ये वो भी मैंने 3 times आपको दिया था, ये भी मैं आपको 3 times दे रही हूँ। ओके, देखिए अच्छे से लिख लीजिए और ये प्रैक्टिस करना। ओके, सिंगुलर का प्लूरल हमने किया है। चलो नेक्स्ट टॉपिक। ये वाला टॉपिक एक्स्ट्रा है तो ये हम नहीं करेंगे, स्किप करेंगे। चलो नेक्स्ट।
ओके बस ग्रामर जो ये ग्रामर इन यूज है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अब तक जो भी हमने कंप्लीट किया है ओके वो आई होप आपने सभी देख लिया होगा, आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। मैंने आपको दो होमवर्क दिए हैं, एक है ऑपोजिट वर्ड्स और दूसरा है ये वाला जो बॉक्सेस थे ओके इसमें मैंने बॉक्स का बॉक्सेस प्लूरल वर्ड्स। तो ये सभी दो होमवर्क है, सभी वर्क पहले आपको आपकी टेक्स्ट बुक में अच्छे से विद गुड हैंड राइटिंग कम्प्लीट करना है और जो होमवर्क है वो आपकी एक्स्ट्रा बुक में आपको कंप्लीट करना है ओके। अगर ये चैप्टर में आपको कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है बच्चों, तो एज पर यू नो स्कूल के प्रोवाइडेड नंबर पे डायरेक्टली आप टीचर से बात करके आपको जो भी डाउट है तो वो सॉल्व कर सकते हैं। एंड माय डियर पेरेंट्स, अभी तक कितने पेरेंट्स ने हमारे स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर किड्स लर्न चैनल एंड डू लाइक अवर वीडियोज़। ओके थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस।